नरवा थाना क्षेत्र के लखनाताल उर्वाया गांव के 5 ग्रामीण रोज की तरह जंगल में अपनी भैंसे चराने गए थे। दिन के समय अपने खाना खाने वापस आए। वापस जाने के बाद ग्रामीणों को भैंसे नहीं मिली। तब ग्रामीणों ने जंगल में छानबीन की तो भैंसों के ना मिलने पर ग्रामीणों ने 4 दिन पूर्व नरवा थाने पहुंचकर थाना प्रभारी मनीष शर्मा को जानकारी दी, जिसके बाद TI शर्मा ने तुरंत जंगल और क्षेत्रों में छानबीन शुरू की। ग्रामीणों और मुखबिर की सूचना मिलते ही नरवर थाना TI शर्मा ने ASI अरविंद सागर, दिनेश यादव, राकेश यादव के साथ आरक्षक वीरेंद्र, अरविंद, सोनेराम, धर्मेंद्र को रवाना किया। टीम ने मौके पर पहुंचकर डोंगरी गांव के पास बरखाड़ी में चोरी की गई 12 भैंसों में से 11 भैंसों बरामद की और कानूनी कार्रवाई करने के बाद ग्रामीणों को भैंसे सौंपी। किले के पीछे पड़ता है, मतलब नरवर के किले के पीछे जी। तो क्या हुआ, क्या था, तुम बता रहे हो? जंगल में भैंसे चरा रहे थे हम। हाँ, तो वहाँ से कुछ लोग वहाँ से उनको ले गए, 12 नंग थे। कौन ले गया था? मालूम नहीं, मालूम नहीं। अच्छा, फिर इसके बाद क्या हुआ? फिर इसके बाद हमने छानबीन की, 1 तारीख को भैंस गई थी, 1 तारीख को भैंस गई थी, परास्त हो गए, अपने अपने घर जाकर सो गए। हमने कही चलो कहीं भी होंगी, जहाँ भी होंगी सुबह मिल जाएंगी भैंसे और फिर अपनी अपनी भैंसे देख लेंगे। इसके बाद में हमने सुबह भी ढूंढी तो हमको सब दिन भैंसे नहीं मिली। इसके बाद में हमने सोची कि अब भैंसे मिलेंगी नहीं। फिर हमने सर्चिंग करी, भैंसे मिली। इसके बाद में फिर थे हम डोंगरी मोंगरी गए। कहाँ पे करी सर्चिंग? जंगल में सर्चिंग पहले हमने गई अपनी पहाड़ पे करी, गांव के बगल में एक पहाड़ है। ये मामला है कि ये दिनांक 2 तारीख की बात है। 2 तारीख को रोजाना की भांति ग्राम लखनाताल के उर्वा के जो कुशवा समाज के और बाद के लोग हैं, वो अपनी भैंसों को दखनी माता मंदिर एरिया में चराने रोजाने ले जाते थे। और 2 तारीख को भी वो भैंसे चराने ले गए और भैंसों उन्होंने छोड़ के वो घर खाना पीना खाने के लिए आ गए। और जैसे ही वो खाना पीना खा के वहाँ पहुँचे जहाँ भैंसे छोड़कर आए थे, तो वहाँ उनको भैंसे नहीं मिली। तो उन्होंने भैंसों को ढूंढने का प्रयास किया। जब ढूंढने का प्रयास किया भैंसे न मिलने पर वो कल थाने पर रिपोर्ट करने आए। जैसे थाने पर उन्होंने सूचना दी, तो थाने पर उनकी सूचना पर से